पुलिस आयुक्त साहब जवाब दो, अरे थानाकार तुमको देना क्या जवाब दो, रिक्शा वालों के पेट पर लात मारना बंद करो, रिक्शा वालों के पेट पर लात मारना बंद करो। नहीं चलेगी सरकार की दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सरकार का कराए चेक क्या, खाली मुर्गा वर्दी पर बंद करो, कमिश्नर साहब जवाब दो, जवाब दो, कमिश्नर साहब जवाब दो, जवाब दो, कमिश्नर साहब 200 रुपए में अपना घर चला के बताओ, अरे 200 रुपए में अपना घर चला के बताओ, अरे हजदार साहब 200 रुपए में घर चला के बताओ। पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। हमारे मोर्चे से पहले अगर से इसका इंसाफ जल्दी से जल्दी करती है तो फायदा है, वरना पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा। और पूरे रक्षे वालों के साथ में हम हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। और जो ऑनलाइन लोन पावती मिली है वो पावती भरने की आपको जरूरत नहीं, हम कोर्ट बिठाएंगे इसका। रिक्शा वालों के पेट पर लात मारना बंद करो, रिक्शा वाले रिक्शा वाले ₹80,000 के पौधे कहाँ से भरने जवाब दो, और छिपके पौधे देना बंद करो, छिपके पौधे देना बंद करो, छुप छुप के पौधे देना बंद करो, ऑनलाइन पार्टी क्यों देते हो जवाब दो, दंगे कराना बंद करो, अरे झगड़े लगाना बंद करो, दंगे करवा कर रास्ते पर जो काम कमाता है उसके पेट पर लात मारना बंद करो, ऑनलाइन पावती नहीं चलेगी, ऑनलाइन पावती का हिसाब देना होगा, ऑनलाइन पावती का हिसाब देना होगा, हमारे पॉकेट क्यों मारते हो जवाब दो, 100 रुपए की पावती 1000 रुपए को कैसे हुई जवाब दो, नितिन गडकरी जवाब दो, नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, जाग गया भाई जाग गया, जाग गया भाई जाग गया, जाग गया भाई जाग गया, रिक्शा चालक अत्याचार विरोधी समिति समिति जिंदाबाद, लाल यादव रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ऑनलाइन पार्टी नहीं चलेगी, ऑनलाइन पार्टी नहीं चलेगी, अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, रिक्शा वालों के पेट पर लात मारना बंद करो, रिक्शा वालों के पेट पर लात मारना बंद करो, जाग गया भाई जाग गया, मोर्चा कच्चा साथी है, लाल बहादुर रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, रिक्शा चालक अत्याचार विरोधी कृति समिति जिंदाबाद, छुपके पहुंचा देना बंद करो, छुपके पहुंचा देना बंद करो, बंद करो, जैसा जुलूम करना बंद करो, अरे 70-80 हजार रुपए कहाँ से भरना जवाब दो, पुलिस आयुक्त साहब जवाब दो, अरे थानाकार तुमको देना क्या जवाब दो, हमारे देश के बच्चों के पेट पर लात मारना बंद करो, अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे छुपके फोटो निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छुपके फोटो निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छुपके फोटो निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे पैसे के समृद्धि महामार्ग
हॉस्पिटल में पेशेंट छोड़ने को जाते तो छुपके फोटो निकालना बंद करो। पेशेंट को छोड़ने जाते तो छुपके फोटो क्यों निकालते जवाब दो। पैसेंजर छोड़ने को जाते तो छुपके फोटो क्यों निकालते जवाब दो। जवाब तो हम लेते रहेंगे। अरे सरकार का कराई चेक क्या? खाली मुर्गा बंदी पाए। क्या सरकार का कराई चेक? खाली मुर्गा बंदी पाए। हमारे पे कराई चेक। कहना बंद करो, नहीं तो खुद का वाला रिक्शा वाला कहना बंद करो, नहीं तो खुद को रिक्शा वाला कहना बंद करो। हमारी थाली में रोटी क्यों नहीं है जवाब दो। हमारी थाली में रोटी क्यों नहीं है जवाब दो। हमारे बच्चे शाम को रोते क्यों है जवाब दो। हमारे बच्चे चॉकलेट मांगेंगे देना क्या जवाब दो। अरे जवाब तुमको देना होगा। शिंदे जवाब तुमको देना होगा। नरेंद्र मोदी जवाब तुमको देना होगा। देवेंद्र फडणवीस जवाब तुमको देना होगा। नितिन गडकरी
गडकरी जवाब तुमको देना होगा, अरे तिजोरी का हिसाब देना होगा, अरे तिजोरी का हिसाब देना होगा, अरे रिक्शा वाला उपाशी ते आहे तुपाशी, रिक्शा वाला उपाशी, रिक्शा वाला उपाशी, 100 रुपए के 1000 पावती कैसी हुई जवाब दो, तुम्हारे होते हुए रिक्शा वाला क्यों परेशान जवाब दो, प्रदीप जायसवाल जवाब दो, संजय सिरसा जवाब दो, औरंगाबाद में गड्ढे क्यों है जवाब दो, उनके मोर्चे को अलग नियम है क्या जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा, ऑनलाइन पार्टी देना बंद करो, ऑनलाइन पार्टी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, 80,000 90,000 राज्य भरना जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, पुलिस वाले जवाब दो, किसके आदेश से पौधे मिल रहे जवाब दो, किसके आदेश से पौधे दे रहे जवाब दो, 100 की पावती 1000 कैसे हुई जवाब दो, जवाब दो, 100 की पावती 1000 कैसे हुई जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना बंद करो, बंद करो, अरे छुप छुप के फोटो निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छुप के फोटो निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, 80,000 90,000 की पाते कहाँ से भरना जवाब दो, कमिश्नर साहब जवाब दो, कमिश्नर साहब जवाब दो, कमिश्नर साहब 200 रुपए में अपना घर चला के बताओ, अरे 200 रुपए में अपना घर चला के बताओ, अरे 200 रुपए में अपना घर चला के बताओ, आमदार
साहब 200 रुपए में घर चला के बताओ, खासदार साहब 200 रुपए में घर चला के बताओ, 100 रुपए की पावती 1000 रुपए की हो रही थी तब आमदार खासदार क्या कर रहे थे, जवाब दो। 100 रुपए की पावती 1000 रुपए कर दिया गडकरी साहब तब तुम क्या कर रहे थे, जवाब दो। विधानसभा लोकसभा में क्या कर रहे थे, जवाब दो। वाले बोलने वाला जवाब दो। खुद को रिक्शेवाना होगा। और इसपे जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन है ये तत्काल उसको बंद करने की आप कोशिश कीजिए सर, आपका बहुत धन्यवाद होगा। और अगर से इसके ऊपर जल्दी निर्णय नहीं लिया जाता तो पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक साहिब का प्रधान हूं, राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। कुछ दिनों से बहुत से ये मामला जो औरंगाबाद के अंदर जो गरमाया हुआ था, जो बहुत जुल्म और ज़्यादती रक्षे वालों के ऊपर प्रशासन की तरफ से हो रही थी, बाद हमारे वसीम भाई दिगर लोग जो है हमारे बहुत से लोग हमारे चर्चा हम कर रहे थे कि बहुत अत्याचार और बहुत जुल्म ज़्यादती रक्षे वालों के ऊपर हो रही है। देखो हम मेहनत से कमाते, रक्षे वालों का कहना है कि हम एक एक रुपया जमा करते हैं और हमारे परिवार को पालन पोषण करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब खान साहब बहुत से हमने संगठनाएं देखी, बहुत से देखी हमने, लेकिन हमको जो सिला मिला हमको जो है तो हमको कोई हम हमारे ऊपर हमारा इंसाफ करने वाला कोई नहीं मिला। इन्होंने कहा कि साहब खान साहब आप फैसल साहब हाफिज भाई टकसाल साहब आप अगर से आगे आएंगे तो हो सकता है हमारे से कुछ ना कुछ उम्मीद आपसे जागती है और हमको इसका फायदा पहुँच सकता है। तो इस बुनियाद पर हम जो आगे बढ़ के हमने जो हिस्सा लिया है और मैं इनको वादा दिलाता हूँ आखिरी सांस तक और आखिरी लड़ाई तक आपको इंसाफ दिलाने का काम जरूर हम इंशाल्लाह करेंगे। ये उम्मीद है क्या हो सकता है 2-4-5 दिन के अंदर ये छोटा मोटा जो आज हमने जो निकाला है हो सकता है इसको जो तो प्रशासन जाग जाए। इससे बेहतर होगा प्रशासन को हमारे मोर्चे से पहले अगर से इसका इंसाफ जल्दी से जल्दी कर करती है तो फायदा है, वरना पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा आप सरकार देख सकेंगी। जो आपका मांग थी ऑनलाइन के जो समस्या थी उसके ऊपर समाधान हुआ क्या आश्वासन मिला? अल्हम्दुलिल्लाह आश्वासन तो नहीं मिला, समाधान हुआ है और मुझे उम्मीद है 2-4 दिन के अंदर सरकार इसके ऊपर फौरन निर्णय लेंगी और रक्षे वाले को इसके ऊपर जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी फायदा होने वाला है। और अगर से नहीं होता है तो आपको हमको तो हमने बताया आपको ये बड़े से बड़े मोर्चे होंगे और आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और पूरे रक्षे वालों के साथ में हम हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। और जो ऑनलाइन लोन पावती मिली है वो पावती भरने की आपको जरूरत नहीं, हम कोर्ट बिठाएंगे इसका, हम कोर्ट बिठाने वाले हैं फैसल भाई, हम इसका कोर्ट बिठाएंगे और वहाँ पर आपको इंसाफ दिलाएंगे और वहाँ पूरे पावतियाँ हम इंशाल्लाह उसको कैंसिल कराने का काम करेंगे। बाबा एक आखिरी सवाल है, आपने
इससे पहले हमको जब बैठ गया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मोर्चा निकालने से पहले, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को, पार्टियों को आवाज दी थी कि आप हमारा समर्थन करो। मेरा सवाल ये कि कितने पार्टियों का आपके पास समर्थन? टोटल पार्टी का समर्थन है हमको, नाम तो नहीं गिनाऊंगा मैं, लेकिन टोटल पार्टियों का हमको समर्थन है। पूरे सबके सब टोटल पार्टियां साथ में आने वाली है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप निवेदन दे दो, इसका निर्णय क्या है आपको मिलता है, इसके जवाब क्या आता है, 10 दिन का अल्टीमेटम दो। अगर इसके अंदर 10 दिन के अंदर नहीं आता है तो पूरे पार्टियां साथ में रहेंगे और लाखों की तादाद के अंदर यहाँ से मोर्चा निकलेगा। देखिए, आज जो औरंगाबाद शहर के अंदर एक ऐतिहासिक मोर्चा निकाले गया है रिक्शे वालों के हक के लिए, उसके अंदर समाजवादी पार्टी का जाहिर समर्थन था और उसी के साथ दूसरे जो पार्टियां थे मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मगर वो जो लोग घर में बैठे हुए लीडर, खासदार, आमदार, नगर सेवक जो घर में बैठे हुए, उनको अब रिक्शे में बैठने के लिए शर्म आने को ना कि हम ये रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं और हम इनकी आवाज़ तक नहीं उठा रहे। ये कौन से आपके राजनीति जो आप इनके लिए हक के लिए आवाज़ तक नहीं उठा रहे? आपने पूरा सब कुछ देखा, रिक्शा वालों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जुल्म ज़्यादती बहुत बढ़ चुकी है, इसके लिए आज हम रोड पे आए और ये यहाँ अगर ख़त्म नहीं होता है तो यहाँ से मुंबई जाएंगे हम, आज़ाद मैदान में भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे इंशाल्लाह। अबू आसिम आज़मी साहब ने ये आश्वासन दिलाया मुझे कि रिक्शे वालों का हक के लिए मैं सदन के अंदर भी आवाज़ उठाऊँगा और मुख्यमंत्री के साथ इनकी नुमाइंदगी करूँगा।